वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यार आज हमारे रिलेटिव्स ने हमें अपने घर बुलाया, उन्होंने नया घर बनाया है और दावत दी है हम लोगों को। और मैंने जो है वो आपी का जोड़ा पहन लिया, वो यहाँ पे भूल गई थी तो मैंने सोचा कि यार उसके जोड़े का फायदा उठाते हैं और ग्रीन कलर का जोड़ा मैंने पहन चुकी हूँ। नीचे चलते हैं, जाकर देखते हैं कौन कौन रेडी और कौन कौन नहीं रेडी, एंड गिफ्ट हमने उनको क्या देना है ये भी देखते हैं। लेट्स गो। चलो भाई, जाने के लिए कौन कौन रेडी है? मी, यू एंड मोम। एंड बाकी कहाँ पे हैं? बाकी सारे घर रही है, बाकी सब बिजी है, हम सिर्फ फ्री है। और फातिमा को बड़ी मुश्किल से फ्री किया है, फातिमा जा रही थी, हमने कहा नहीं हमारे साथ कोई बच्चा तो होना चाहिए, कोई बच्चा तो होना चाहिए। आपने तो अभी कहा है कि जैनब अपने फ्रेंड से उधर ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा जैनब उधर ही आ रही है, हिरा बिजी है, बट मैं ये राबिया की तो क्लास लेके आऊँ, मुझे अकेली को क्यों भेज दिया, खुद की नहीं रेडी हुई? क्योंकि मेरे फाइनल चल रहे हैं, मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही सही से। वैसे मेरे साथ आज का दिन चले जाओ, हमें सिर्फ 2-3 घंटे जाना है। पढ़ती नजर आओ घर में, सीजन या मोबाइल यूज करती नजर ना आना, अगर आज मैं मम्मा पापा के साथ जा रही हूँ उनके। ओके बाय बाय बाय। हर बार जो है ना ये बॉक्स हमसे कहीं बांटे ही नहीं जाते, कभी गाड़ी में जाते हैं फिर गाड़ी से निकलते हैं। हाँ बस यही, गाड़ी में जाते हैं फिर गाड़ी में घूमते रहते, गोल गोल घूमते रहते। अब हमने सोचा कि दावत पे जा रहे हैं तो वहाँ नए घर की खुशी में हम कहेंगे ये भी बांट देंगे हम वहाँ पे सबको। अब याद से इसको बांट कर आना है मैंने, ठीक है? चले पापा जी इसको फटाफट गाड़ी में रख रहे। ओहो बाहर तो इतनी ज्यादा फॉग पड़ रही है, हम बस पहुँच जाए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ से, ये सही है यार सर्दियों में जाने के नुकसान। मैं आ तो गई हूँ मामा पापा के साथ पिछले आधे घंटे से, एक तो रास्ता खत्म नहीं हो रहा, दूसरा ऊपर से इतने बोरिंग गाने मुझे समझ नहीं आ रहा गाड़ी के किस दीवार पे जाके जो है वो सर मारूं अपना। मेरा क्या कसूर है, एक अल्ले आए ऊपर से खराब गाने सुना रहे हो यार। ये प्लाजा जो है ना मेरे जिस टाइम हम लोग पहुंचे हैं ना और खाना लग चुका है, हमने कहा पहले खाना शाना खाते हैं उसके बाद घर का टूर मारते हैं। देख रहे तो जा रहे हैं, खाना तो हमें खा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं मम्मा, आप खाना भी खाने आए हैं, दोनों चीजें करने आए हैं। खाने में ये मजेदार से चावल, मजेदार खाने भी दो, और साथ में है ये मजे की कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। हमारे घर में खाना खाया बाद में जाता है, दिखाया पहले जाता है। एक तो मैं आपके साथ आई हूँ, ऊपर से क्या बोल रही हैं आप? मम्मी एक और खाना भी है, ये देखो रोस्ट भी है। अच्छा? हाँ कढ़ाई थोड़ी कम डालो, ये रोस्ट भी है, खाली रोस्ट है, ये खाली खाने वाला है। सही लग पीस तो मम्मा ने ही डाल दिया यार ऊपर, नहीं मैं यहाँ करने के आए हैं, हम करने के आए हैं। ये है स्वीट डिश में सैलेड, इससे मीठे चावल भी हैं यार, ये तो तुम्हें तो हम लास्ट में खाते हैं। मम्मा को कहीं से पता लगा है कि मीठे चावलों के साथ नमकीन चावल भी मिलाकर खाओ तो बड़ा एक मजे का टेस्ट मिलता है, ठीक है? और मम्मा ने वो कलाकारी छाड़ी है, मुझे टेस्ट कर लेने दो, टेस्ट लाइक अ ओके अच्छे लगे तो पैसे वापस दे। थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा, 2-in-1, एक टॉफी आती है चिंटू कंडी, यहाँ से मीठी यहाँ से खट्टी। तो बेमानों ने अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ यहाँ पे ड्रॉप होना था, आ गई हो? पता है मैं इतना ज्यादा रो रही हूँ, मुझे आवाज नहीं निकल रही, मैं मौत के मुंह से हो गई हूँ। तो किसने कहा था ऐसे खतरनाक झूले लो? खाना शाना खा लिया, अब हमारी लास्ट पर आ गई है चाय मम्मा की और मेरी। खाना शाना खा लिया है और अब मुझे किसी बच्चे ने आके बताया फातिमा आपी घर के बाहर अनार जो है वो घर के बाहर अनार फूटने लगे हैं, जल्दी से आ जाए। सब लोग यहाँ पे नीचे वेट कर रहे हैं कि भाई कब वो घर के बाहर अनार चले, क्योंकि नया नया घर है ना तो वो नए घर का इफ्तिताह या स्टार्टिंग बर्थडे आज घर का ना, हाउस वार्मिंग पार्टी, हाउस का बर्थडे नहीं हाउस आज पैदा हुआ है। ध्यान से बच्चों, मेरे हाथ में चाय है, किसी के ऊपर ना गिर जाए। चलो खत्म, और भी चल रहे हैं, पार्टी अभी बाकी है। चका ये तारों से बचे, क्या पता तारों पे आए और यहाँ पे असली वाले धमाका हो जाए, पता लगे रात को लाइट ही चली जाए। सब लोग घर के बाहर खड़े होके पहले घर का इफ्तिताह देख रहे हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल, घर का आउटर लुक हमने देख लिया, इतनी ज्यादा फोग है कि ठीक से भी लाइट नहीं प्रोमिनेंट हो रही। अब जो है ना घर के अंदर से देखने चलते हैं कि कैसा घर है। ये मैंने अपने उसमें भी बताया था, किसमें यार, किसने बताया था? नहीं एंगेजमेंट वाले ब्लॉग में दोनों बहने। मम्मी को बस आते साथ किचन देखने की पड़ गई है कि किचन देख लूं मैं कैसा है। मेन चीज की
किचन ही होता है जो कॉपी करना होता है। औरतों को बस मेन चीज होता है ना, वो किचन दिखा दो कि किचन कैसा बना हुआ है। अब लंबे कैबिनेट बनते लंबे लंबे कैबिनेट है, ताकि एक के ऊपर एक पतीली, एक के ऊपर एक पतीली, लंबे लंबे कैबिनेट है। ये देखो इतना फैशन है, इसलिए मुझे पता है। दराज देखो, दराज देखे, हम मेन दराज है हमारे भी, तो मम्मा ऐसे ही लगे हुए दराज। मेरी सारी पर्सनल चीजें इसी में दराज में, सारा दिन औरत का किचन में गुजरता है, इसीलिए वो सबसे प्यारा किचन बनाती है। इसलिए सबसे प्यारा औरत है वो किचन बनाती है। ये जो है वो किचन की आउटर लुक है, टारंग टारंग एंड टारंग। तो ये जो है ना वो डाइनिंग एंड क्या रूम है, सॉरी डाइनिंग एंड ड्रॉइंग रूम, दोनों वाला रूम है। कर रही हो नया घर ऐसा बनाना, कोई चीज अच्छी मिलेगी। ये यहाँ पे टीवी शीवी लगेगा। इट्स द आउटर लुक, सीढ़ियों की आउटर लुक है। पर आते हैं ना तो आते साथ ये छोटा सा यहाँ पे किचन है, इसके बाद बिल्कुल साथ ही यहाँ पे एक रूम है जो भी बन रहा है, और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे भाई वॉशरूम है, और ये वॉशरूम के अंदर ही वार्डरोब लगाई हुई है। यहाँ थोड़ा शीशा विशा लग जाएगा, तो अभी इसमें थोड़ा सा काम वाम है, लेकिन ओवरऑल ये रूम अच्छा लगा मुझे। यहाँ से जब वापस आते हैं सब लोग जो है इस टाइम घर शर देख रहे हैं। एक ये एरिया आता है बाहर का, एक ये रूम है, ये रूम और ये उसका वॉशरूम, उसके अलावा ये एक रूम है, ये भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा बनना है, ये रूम और वो उसका वॉशरूम। ओवरऑल घर जो है वो बहुत प्रीटी है। फिर यहाँ से नीचे जाने की बारी आई थी, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। इतनी फोग में ये दोनों लड़कियाँ बाहर बैठी हुई हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है होम टूर में, कर भी हम कैटो से मिल के आए। सब लोग यहाँ पे गिफ्ट शिफ्ट दे रहे हैं घर बनने की खुशी में, गिफ्ट शिफ्ट दे रहे हैं, और अब जाने की बारी आ चुकी है। हम भी गिफ्ट देते हैं, होम टूर जितना थोड़ा बहुत करवा सकती थी करवा ली, क्योंकि फिलहाल घर पे बहुत रश लगा हुआ है इनके। पापा जी अपना गिफ्ट भी देते हैं और फिर चलते हैं। याद आया वो बांटने वाली भी तो देनी है, वो जो मैं लेकर आई थी। ये बांट ने, ये पकड़ ले, ये मानो पकड़ो इसे, ये पकड़ो, ये बांट। यार गिफ्ट में पापा जी क्या पैक करा के दिए, ये तो हमें भी नहीं पता कि पापा ही गिफ्ट लेकर आए हुए हैं। इसमें क्या है पापा जी, मैंने नहीं बताया, ले हमें भी नहीं बता रहे। सीनरी टाइप पेंटिंग को, सीनरी टाइप ऐसा, वो लाइट जलेगी। हम सारी जिंदगी अनबॉक्सिंग करते हैं गिफ्ट की, लेकिन पापा ने आज हमें ही अनबॉक्स नहीं करवाया। अब उनको दे देंगे, वो खोलेंगे, उन को बांट छांट देते हैं। यार ले लो अंदर से। आ रहे बच्चों आपके खाने पीने की चीजें, मैंने एक दिन मेहनत लगा के पैक शैक किया था, खा लो आपके टाइप की चीजें, आप खा लो जो को हम यहाँ पे कह रहे हैं। हर कोई एक को बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए घर। हमें पता नहीं था वैसे ऑरेंज कलर का आप ड्रेस पहन रही हैं, बट फिर भी हम मैचिंग लेकर आए। मुबारक करें। हाँ मीना, मैं और घर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, घोड़े बेच के, हाथी बेच के, ऊँट बेच के, सब बेच के सो रही है। और बाहर फोग चेक करें कितनी ज्यादा है। फोग में तो ड्राइव करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक घंटे से निकले हैं बट अभी तक घर नहीं पहुंचे। मानो घर आ गया, उठ जाओ घर आ गया। तुम्हें जहाँ छोड़ के गए थे तुम वहीं हो। नहीं जी, मैं उठ के पूरा घर घूम के खाना खा के मूड सीजन देख के तब बैठ। तुमने कहा था कि तुमने घर रह के पढ़ना है, पिटाई करो तुम्हारी इस फैंसी जूती से। पढ़ाई वो क्या होती है हा? राबिया को घर किस लिए छोड़ के गए थे, कि ये पढ़ाई करेगी, और इसने पढ़ाई नहीं की, सीजन देखी है सर, थोड़ी होती है पिटाई करेगी। नेक्स्ट डे, अभी जो है मैं नीचे आई हूँ, और आ करके देखा है आप ही और अरीब लोग घर आए हुए हैं, और ये लोग जो है जा रहे हैं अपने हनीमून की फ्लाइट पे फाइनली। और मेरे क्या करें, चलो दे आर लिविंग। जल्दी दो हीरा, फाइनली कपड़े जाते जाते दे रही है, बहुत जल्दियां जल्दियां पड़ी हुई है। हीरा जो है वो फौरन फौरन से समझ गया, हम लोग क्या करें, हम लोग भी चले जाते हैं साथ। चलो सामान जल्दी में ये रख दो ना, हड़बड़ी पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। ओके बाय बाय, ओके बाय, इनको बाहर तक ड्रॉप करके आते हैं। मम्मी उठो, चलो गर्ल्स आज इनको बाहर तक ड्रॉप कर दे। पता लगे इनको ड्रॉप करते करते पूरा एस्ट्रोलॉजी हाउस भी साथ जा रहा है। जल्दी वापस आना, ठीक है, खूब एंजॉय करना, ज्यादा सारे एंजॉय करना, ठीक है, बाय। ये लोग इधर न्यूयॉर्क सेलिब्रेट करेंगे और हम इधर हड्डी में रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या करें, कभी खुशी कभी गम, फीलिंग्स नहीं, ना जुदा हो गए।
वाला गाना तो आज इसी पे ही बन गया यार, मतलब वो सही, ये लोग 2 महीने के लिए चले गए हैं, मतलब हनीमून पे। ओहो, ये मैं डंडा भी अंदर ले तुम्हें उनको साथ दे देना, मिठाई होनी चाहिए तेरी इस डंडे से। इनको देखो यहाँ पे अपना सामान खोल के बैठ गई है, ये तेरा ये मेरा, दो तेरा दो मेरा, आप ही का सामान रह गया। ओ माय गॉड, आप ही ने हनीमून पे सामान लेकर जाना था और उसका सामान रह गया। ओ यार उसको कॉल कर, मम्मी वाकई आप ही की ज्वेलरी तो नहीं है? मेरी है यार, मैं आई है। ओके ओके, उसकी है उसकी है यार। होप सो यू लाइक द व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।